14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को दुनिया भर के लगभग 75 करोड़ लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। इस भव्य और दिव्य आयोजन के पहले ये जान लेना आवश्यक है कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है। 12 मुद्राओं के साथ सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का नख से शिख तक एक साथ शारीरिक अभ्यास होता है। सूर्य नमस्कार के सामूहिक आयोजन में विभिन्न संस्थाएं भी भाग ले रही हैं। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का अभिवादन। आजादी के 75वें साल के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नमस्कार आयोजित कराएगी। मंत्रालय की माने तो 14 जनवरी के दिन एक साथ 75 लाख से अधिक संख्या में लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार से आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर भगाने में आसानी होती है। देश के अंदर हमारे हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, आध्यात्मिक भावना शक्ति से लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों का नियत शक्तिशाली बने और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल कि ये सुनहरा अवसर पर हम चाहते हैं कि देश की जनता सूर्य नमस्कार में शामिल होके अपने आप को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करे। सूर्य नमस्कार ऐसा योग अभ्यास है जो न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी मजबूत करता है। इससे पहले भी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए काढ़ा, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य रक्षक किट तैयार की थी, जिससे आम जन को काफी फायदा हुआ था। सूर्य नमस्कार को भी आयुष मंत्रालय ने वानगी के रूप में पेश किया है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक योग को जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं, जो शरीर को कई तरीकों से मजबूती देता है।